तो आज ना इतनी भयंकर आंधी आई करीब 5:30 बजे के करीब कि यहाँ पर हमारा जो ये छत है ना ये जो है खुला है यहाँ पे, इस वजह से इतनी भयंकर रेत आ रखी उड़ के, आप लोग देख ही सकते हैं पानी का कलर देखो कितना वैसा हो रहा है ना, मटमैला सा। तो सड़कों में जैसे आजकल काम भी हुआ, नई सड़कें बनी, टाइल्स वगैरह लगी ब्रिक्स वाली, तो उनके उनके उसमें मतलब रेत डाला हुआ रहता है, उन्होंने सूखा रेत। फिर अगल बगल में मकान भी बन रहा और मकान वगैरह की जो रेत है इतनी भयंकर उड़ गई। देखो अंदर तो चलो हमारे पास ऑप्शन है कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बट यहाँ पर का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ईस्ट फेसिंग है तो सुबह के टाइम यहाँ पर भयंकर धूप होती है, लेकिन शाम के टाइम पे ये कि जैसे थोड़ा अंधेरा हो गया, तो मोस्टली मैं शाम को ही करती हूँ धुलाई। आज तो घर आंधी भी, आज तो तब करना ही था, देख सकते हैं इतनी मिट्टी इतनी मिट्टी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के टाइम पे 8:30 बजे। तो आज मैं सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि शाम को कहीं चली गई थी व्लॉग बनाना था, बट आंधी तूफान इतना भयंकर ऋषिकेश में पता है क्या हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से कि शाम का टाइम हो रहा और आंधी तूफान आ रही भयंकर ढंग से, और बारिश के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि हिल्स में देहरादून वगैरह में बारिश है। और इसकी वजह से जो है इतना यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत भयंकर धूल मिट्टी जो है हो रही क्या हो गई थी। अब भी अभी सारा पोछा पाछा लगाया मैंने और यहाँ पूरी बाहर को धुलाई वगैरह कर ली है। देख सकते हैं ऊपर वाली सीढ़ियों में कितना गंदा हो रखा है, तो यहाँ को तो मैंने धुलाई कर दी यहाँ पे पूरी। और बाहर चल रही है अभी बढ़िया ठंडी हवाएं, देख सकते हैं, बट ठंडी हवा का क्या फ़ायदा, पीछे हम खिड़की दरवाजे खोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो है धूल मिट्टी रेत। और हमारे तो ना घर के जस्ट बगल में भी मकान बन रहा है और घर के पीछे भी मकान बन रहा है, तो वो रेत ऐसे आ रही है उड़ के कि बता नहीं सकते। और कल बच्चों का 2nd UT है, तो सोना का हिंदी का है और हिंदी का ही है, सोना का हिंदी का है और आरू का शायद से, किसका होगा आरू का, SST का, आरू का SST का है। तो चलो अब हम सब्जी वगैरह काटते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ना ना ठीक है, वो पर दोबारा लिख देगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, ये रख सकते हैं, आज हम बाहर में बैठ रखे हैं पढ़ाई करने के लिए। कोई बात नहीं, वो लगा के देंगे उनकी वर्कशीट में, देख सकते हैं आज बाहर में बैठ के पढ़ रहे हैं। हमने कहा पंखों को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और कल इनके टेस्ट है। हाँ ये तो बोल रही थी फुल स्टॉप भी लगाना है। हाँ तो लगा, ये तो वो है ना माय सेल्फ है ना, ये सब में फुल स्टॉप ही लगाना है, ठीक है। जैसे माय नेम इज आरव नौटियाल फुल स्टॉप, ठीक है। हाँ जहाँ पे सेंटेंस का एंड होगा ना वहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है चल सोना, अब तेरे को पूछ रही मैं दूसरा। वर्ण के कितने भेद होते हैं ना, भाषा किसे कहते हैं, इसका आंसर लिख के दिखा मुझे। भाषा किसे कहते हैं? डॉगवाद बनाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे। सोना और आरू चले गए हैं स्कूल, आजकल उनका लेट का स्कूल है क्योंकि जो है आजकल टेस्ट चल रहे हैं ना, इस वजह से 11 बजे घर आ जाएंगे। और काम करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आज पता नहीं क्या हुआ कि सुबह जैसे मैं उठी ना तब से मेरा इतना भयंकर सिर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा थोड़ी देर में रुक जाएगा पर रुक ही नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इधर हो रहा मेरे भयंकर सिर दर्द। अब दवाई तो खाने का क्या ही फ़ायदा, भी मैंने काम करना है दुनिया भर का, पर मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सरसों का तेल डाल के देखती हूँ सर पर, क्या पता तब ठीक हो। तो दोस्तों ये जो सर दर्द है ना, सर दर्द मेरे ज़्यादा वैसे होता तो नहीं है, लेकिन जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है, और आज इतना भयंकर सिर दर्द हो रहा। वैसे मुझे सरसों के तेल से ना एलर्जी होती है, छींके आती हैं, कभी भी नहीं लगाती मैं बालों पे भी नहीं, तो बस आज मजबूरी में जो है मैं सोच रही लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि सिर दर्द इतना तेज़ हो रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं कि क्या करती
और जो है इस तरीके से फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और देखती हूँ मैंने कहा कितना आराम आता है कितना नहीं आता। कई बार तो रह जाता है, जैसे होता है ना गर्मी वगैरह से, लेकिन कई बार पता नहीं क्यों कुछ चीज़ ऐसी होती कि कई बार होती नहीं है सही इतनी देर तक। और बाल भी इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे, काफ़ी टाइम से सबके ही हो रहे हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादातर ना लोगों के सरसों के तेल से रह ही जाता है सिर दर्द अगर गर्मी वगैरह से हो रहा होगा, क्योंकि सरसों का तेल ठंडा होता है और नारियल वगैरह का थोड़ा गर्म होता है। तो ऐसे पता नहीं, मेरी मम्मी बोलती कि नारियल का तेल गर्म होता है, तो बाकी तो मुझे भी नहीं पता भाई ठंडा होता कि सही होता है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि नारियल का तेल गर्म होता है या ठंडा होता है, जिसको नॉलेज है प्लीज़ बताना। हाँ मैंने तेल तो लगा दिया बालों पे और मेरे ना यहाँ पे एलर्जी भी हो गई, देखो मंगलसूत्र की वजह से पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे वो पेंडेंट रहता है ना और आजकल पसीना हो रहा है गर्मी की वजह से, देखो यहाँ पे दिखा कार वैसे का नीचे कर मुझे अपना उंगली हटाओ अपने मुँह में यान कने रिंगना यान तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे जस्ट बगल में अभी घर बन रहा है और वहाँ से इतनी सारी रेत वगैरह, क्योंकि आजकल इनका जो है प्लास्टर का काम चल रहा है, तो हमारे ये यहाँ पे ना इतनी मिट्टी आ रही, इतनी रेत आ रही ना कि अभी इसको साफ़ करने में जो है डेली इतना टाइम लग रहा है देख सकते हैं। और एक पाइप का टुकड़ा लेके आई फिर मैं, क्योंकि बाल्टी वगैरह भी कितनी बार भरनी थी। तो चलिए इस ब्लॉग को अब हम